आपका नाम और आपका? मेरा नाम रवि कोहली है सर। डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूं, मैं अपने को इंसानियत मानता हूं, इंसान मानता हूं। बाय चांस मैं जमा हूं हिंदू जगह घर और आप जमे हैं इस्लाम के घर और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज्यादा है इंसानियत। और अभी तक मजहब ने, कोई भी मजहब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूं, बाल मेरे सफेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूं, पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं, हजारों साल बाद लिखी हैं, पहले जुबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूछना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक और आपके मोहम्मद साहब के तक, आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखी गई कुरान 50 साल बाद लिखी गई, तो 40-50 कोई भी हो, पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उड़ना चाहता हूं, हम सब इंसान है, इंसान को एक करके सब मजहब 21st century में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहर, मैंने अभी खत्म नहीं किया जनाब, मैंने अभी खत्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूं साहब, आप अपना पर्सनल मजहब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफी चाहता हूं, ऐसी हजारों चीजें मैं दूसरे मजहब में निकाल सकता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर हमारे पैगंबर के थे। ये चीजों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हजारों दे सकता हूं, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूं। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है, क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं। उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है, एक भी बातें। मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहा? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, आपने कहा। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब की अपनी अपनी स्टडी है, हम सबका अपना अपना मुताला है। आपने भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की होगी और आपका करीबन 3 साल के करीब मजहब के हवाले से मुताला है। हमारे यहाँ पर मौजूद जो स्वामी हैं देवानंद साहब, उनका भी अच्छा खासा मुताला हो सकता है। और इसके अलावा मेरा अपना जाती मुताला तकरीबन 15 से 20 साल का है। हम सब अपने अपने तई किताबें पढ़ते हैं और फिर उसकी परसेप्शन हर शख्स अपने मुताबिक लेता है।
कोई भी दीन दुनिया का नफरत का दर्स नहीं देता। स्वामी जी ने ये बात बिल्कुल ठीक कही, आप भी अपने तई जो बात कर रहे हैं वो सारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमने इस दुनिया में आने के बाद अपने बनाने वाले का जिक्र ही ना किया, हम उसका तस्करा ही ना कर सके और उसका शुक्र ही अदा ना कर सके, तो इस दुनिया में हमारे आने का फायदा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक उसने जिनो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, और अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही ना की तो फिर हमने दुनिया में आखिर क्या पाया। लिहाजा आपको ये बात समझने की बहुत अशद ज़रूरत है कि अगर आप किसी एक चीज़ की बुनियाद पर बाकी तमाम अशिया से रूगर्दानी करते हैं तो आप बुनियादी तौर पे अपने उस स्क्रिप्चर के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसका दम आप और मैं हम दोनों भरा करते थे। लिहाजा आपको कुछ भी बात करने से पहले इस हवाले से अच्छा खासा सोच लेना चाहिए कि मज़हब की क्या आपके पास मुकम्मल मालूमात है या नहीं। मज़हब भेदभाव जो आपने कहा कि करता है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। मज़हब किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करता। मज़हब को मानने वाले चूंकि वो मज़हब को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, इसलिए वो लोग मज़हब का भेदभाव करते हैं। अगर कोई शख्स मानने वाला हो, ठीक हो, तो उस शख्स को अंदाज़ा होगा कि मज़हब किसी बुनियाद के ऊपर भी, किसी ग्राउंड के ऊपर भी किसी चीज़ को राइट या रॉन्ग के पलड़े में नहीं तोलता, बल्कि मज़हब आपको ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी रास्ता दिखाता है। ये एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। मैंने बहुत से पादरियों के साथ और कई पंडितों के साथ बातचीत की, इनके साथ बहस मुबाहिसे किए, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मज़ाहिब की जितनी स्टडी है, मैं चूंकि तकाबुल दीन यानी कि कंपैरेटिव रिलीजन जो हैं उनकी स्टडी करने वाला स्टूडेंट हूं, लिहाजा मैं बेहतर तरीके से जानता और समझता हूं कि अगर मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप दीन इस्लाम से बेहतर कोई दूसरा दीन नहीं पा सकेंगे। अगर आप किसी दीन को समझना चाहते हैं तो उसे किताब से समझिए, उन लोगों से नहीं जो कि दीन को जो है वो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मर्सिडीज़ कार है और मैं उसे किसी ऐसे ड्राइवर को देता हूं जिसको गाड़ी चलानी ही नहीं आती और वो उस गाड़ी को कहीं ठोक देता है, तो मुझे बताइए गलती किसकी है? क्या गलती मर्सिडीज़ कार की है? यकीनन नहीं। गलती जो है वो उस ड्राइवर की है जिसको समझ ही नहीं आया कि इसको चलाना कैसे। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझें कि वो ड्राइवर आपका और मेरा मुल्ला है, पादरी है, पंडित है, और वो मर्सिडीज कार जो है वो दीन है, वो इस्लाम है, या वो आपका कोई दीन हो सकता है। अगर आपने इस मर्सिडीज कार को किसी को दिखाना है तो आप किसी ऐसे शख्स को दिखाइए जो कि वाकईतन गाड़ी की बुनियादी चीज़ों को समझता है। आप किसी फजूल ड्राइवर को दिखा के जज नहीं कर सकते कि गाड़ी कैसी है। और इसी तरीके से आपको मुताला करना चाहिए, उस मैनुअल बुक का मुताला करना चाहिए जो उस गाड़ी के साथ आती है जिसमें उस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं। इसी तरीके से दीन के साथ जो किताबें आई हैं आप उनका मुताला कीजिए बजाय इसके कि आप पंडितों को या मौलवियों को सुने। इसी तरीके से अगर आपने इस्लाम का मुताला करना है तो जो सबसे बेहतरीन इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाली ज़ात इस दुनिया के अंदर आई, सरकार दो आलम शफ़ी मौज़दम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, आप उस ज़ात का मुताला कीजिए। आप हमारे नबी को देखिए, मुझे ना देखिए या किसी और शख्स को ना देखिए। बहुत सी किताबें हैं जो बहुत बहुत पुरानी हैं, और एरन शुरी जो है जिन्होंने किताबें लिखी इस्लाम के बारे में, अगर आप उनको पढ़ के इस्लाम को जज करेंगे तो आप बिल्कुल वो मर्सिडीज़ कार और अनाड़ी ड्राइवर वाली एग्जांपल के ऊपर अमल कर रहे हैं। आप उस किताब को पढ़िए जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नाजिल की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जब आयात नाजिल होती थी तो आप उन आयात को याद करते थे। याद करने के बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहु ताला अलैहि मजमईन के सामने उन आयात की तिलावत करते थे, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहु ताला अलैहि मजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर उन तमाम आयात को लिख देते थे। मिसाल के तौर पर इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, अब ये जब अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई ये आयत मुबारका, तो सरकार ने इसको याद किया, सहाबा के सामने इसका जिक्र किया, सहाबा ने इसको तहरीर किया, सरकार ने इसको वेरीफाई किया, यानी इसको सहाबा के सामने जो है वो सहाबा से सुन के, देख कर, पढ़ कर, फिर इसको वेरीफाई किया कि हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो सारा कुरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। अब आप जो किताब पढ़ के कह रहे हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के दौर में, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने 50 साल के बाद कुरान को कंपाइल करना शुरू किया ताकि कुरान की और कॉपीज बनाकर पूरी दुनिया के अंदर तकसीम की जाएं। लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान पाक की कॉपीज़ तैयार की और इसको पूरी दुनिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कुरान पाक का नुस्खा अपनी बीवी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास रखा हुआ था, और जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। फिर बाद में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदारत में एक कमेटी बनाई गई जिसने कुरान पाक की मज़ीद कॉपीज़ तैयार की और फिर उसे पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया गया। इसका एक ओरिजिनल नुस्खा, जो असल इसका नुस्खा है, वो आज भी इस्तांबुल के म्यूज़ियम के अंदर जो है वो महफूज है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सरकार ने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद जो है वो इस किताब को देखा, किताब को तहरीर करवाया, किताब को वेरीफाई किया, उसके बाद इसकी कॉपीज बनी हैं और ओरिजिनल स्क्रिप्चर जो है वो भी आपको मिल जाता है। तो बाइबल जो है वो 70 साल के बाद हज़रत ईसा के ऊपर जब वो नाजिल हुई तो 70 साल के बाद कंपाइल हुई, और वेद जो है वो तो कई 100 साल के बाद, स्वामी पंडित नाथ लिखते हैं कि तकरीबन 1310 मिलियन साल ये पुरानी है। अब जब ये बात कर रहे थे तो मजमे के अंदर जो है वो एक शख्स खड़े हो गए और आपस में लड़ाई झगड़ा और बावाज़े बुलंद मुगल्लज़ात बकने वाला मामला भी शुरू हो गया। तो उस पर अब जब गौर किया गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हज़रत साहब जो ये मजमे में बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी किताब जो है, सबसे पुराना जो सहीफ़ा है वो है वेद। ये एक इंतहाई वाहियात बात है कि अगर कोई चीज़ सबसे पुरानी है तो वो सबसे बेहतर होगी, ये आप किस बुनियाद पर कह सकते हैं। अगर मेरे पास मर्सिडीज़ कार जो है मैं कहूँ कि वो थोड़ी पुरानी है और आज की BMW जो है वो फारिग है, तो ये बात तो किसी अक्लमंद के जी शऊर के मानने में आती ही नहीं। लिहाजा ये बात कह के आप जो है वो मोहर लगा रहे हैं अपनी कमिलमी पर, इस तरह का मामला नहीं होता। चीज़ें जितनी पुरानी हों, जितनी जदीद हों, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, चीज़ों के सही या गलत होने से फ़र्क पड़ता है। तो कुरान पाक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने सबसे बेहतर किताब नाजिल की, लिहाजा जो किताब सबसे बेहतर है उस पर ईमान लाना सबसे बेहतर है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जो है वो इस हवाले से अक्ल अता करेगा। दोस्तों ये थी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक हिंदू के साथ बहस का तर्जुमा जो कि आप लोगों के लिए पेश किया गया। यकीनन आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल Religion 72 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।